आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक और परिस्थिति को हम नजर में रखते हैं। यहाँ पे ए और बी नॉर्मल टैक्स स्कीम में शामिल होते हैं, यानी कि वो कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं उठाते, और जो लघु व्यापारी सी है वे कंपोजिशन स्कीम में शामिल होने का निर्णय करते हैं। आइए देखते हैं कि इस परिस्थिति में तीनों के आंकड़े कैसे होंगे। शुरुआती कदम वैसे ही होता है जैसे कि केस एक और केस दो में हुआ था। उत्पादक ए 1000 रुपए की कीमत पे माल उत्पन्न करते हैं, उस पर GST लगता है 20% और उनकी इन्वॉइस वैल्यू हो जाती है 1200 रुपए। क्योंकि उन्होंने कच्चा सामान और किसी से खरीदा नहीं है, उन्हें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता और उनकी टैक्स लायबिलिटी है 200 रुपए। ये 200 रुपए की रकम वो सरकार के साथ जमा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को हमारे खोट व्यापारी बी के दृष्टिकोण से। बी ने माल खरीदा है उत्पादक ए से। याद रखिए कि इस परिस्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि बी कंपोजिशन स्कीम में नहीं शामिल हो रहे हैं। उसका मतलब है कि वो इस माल की खरीदारी को दर्ज करते हैं 1000 रुपए के आंकड़े पे, इसके ऊपर मुनाफा लगता है 10% और इससे उनकी बिक्री की कीमत आ जाती है 1100 रुपए, यानी ठीक हमारे पहले केस की तरह। अच्छा है जी, सब अच्छा ही चल रहा है। अब GST दर्ज होगा 20% की दर पे, यानी कि टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गया खोट व्यापारी बी के लिए 1320 रुपए। ये ठीक वही आंकड़ा था जो हमें पहले केस में नजर आया था, और इस बार भी हमारे खोट व्यापारी बी की नेट टैक्स लायबिलिटी आती है 20 रुपए। 220 रुपए है उनका GST, लेकिन 200 रुपए है उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब है उन्हें जमा करने पड़ेंगे केवल 20 रुपए सरकार के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं हमारे लघु व्यापारी सी के दृष्टिकोण से। ये सामान खरीदते हैं बी से और इस खरीदारी की कीमत वो दर्ज करते हैं 1320 रुपए, उसके ऊपर मुनाफा उनका 10% यानी कि 132 रुपए। ये 132 रुपए मिला के उनकी बिक्री की कीमत हो जाती है 1452 रुपए। लेकिन अभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट। चूंकि हमारे लघु व्यापारी सी ने यह तय किया है कि उन्हें कंपोजिशन स्कीम में शामिल होना है, उन्हें अपने ग्राहकों से GST की मात्रा जमा करने का कोई अधिकार नहीं है, और इसीलिए वो ये मात्रा नहीं जमा कर सकते और उनका इनवॉइस वैल्यू हो जाता है या रह जाता है वो ही 1452 रुपए। लेकिन अभी उनको GST भरना तो पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम के तहत। मान लीजिए कि उनकी कर की दर है 1%, यानी देना पड़ेगा कर 15 रुपए। इनपुट टैक्स का फायदा वो नहीं उठा सकते चूंकि वो कंपोजिशन स्कीम में शामिल हुए हैं, और ये पूरी उनकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। ये 15 रुपए हमारे लघु व्यापारी सी सरकार की ओर दे देते हैं। और ये सब देखते देखते तीनों के आंकड़े साथ साथ रखने के बाद ये साफ नजर आता है कि जब लघु व्यापारी ने कंपोजिशन स्कीम में शामिल होने का फायदा लिया है तो उनके पहले जो पूर्ति श्रृंखला में खिलाड़ी आते हैं उनका कोई भी नुकसान नहीं होता। इस कहानी की सीख ये है कि यदि आप पूर्ति श्रृंखला में सबसे आखिर खिलाड़ी हो, यदि आपका B2C बिजनेस है, मतलब आपके ग्राहक अंत ग्राहक है, एंड कंज्यूमर है, तो आप बेफिक्र होके निश्चिंत मन से कंपोजिशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आपके जो ग्राहक हैं उन्हें तो और किसी को वो माल बेचना तो नहीं है, तो उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके फायदा कोई नहीं मिलेगा। आइए तीनों परिस्थितियों के आंकड़े सामने सामने रख के तुलना करते हैं। परिस्थिति एक में तीनों खिलाड़ियों ने यह तय कर लिया था कि उन्हें साधारण टैक्स सिस्टम में शामिल होना है और कंपोजिशन स्कीम में नहीं शामिल होना है। इस परिस्थिति में तीनों खिलाड़ियों के टैक्स मिल मिला के केवल 242 रुपए हो जाते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में कोई दुगना लगान नहीं होता। समस्या तब आती है जब पूर्ति श्रृंखला के किसी बीच के खिलाड़ी ने यह निर्णय ले लिया है कि उन्हें कंपोजिशन स्कीम में शामिल होना है। ऐसी स्थिति में सबके टैक्स लायबिलिटी मिला मिला के हो जाते हैं 503 रुपए, और खेद की बात यह है कि ये जो टैक्स लायबिलिटी बढ़ गया है 242 रुपए से 503 रुपए तक, इसका पूरा बोझा पड़ गया है लघु उद्योगक सी के कंधों पर।
क्योंकि उस बेचारे की टैक्स लायबिलिटी अब हो गई है 290 रुपए, जबकि पहले वो थी केवल 22 रुपए। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो बीच का खिलाड़ी है बी, जिसने ये निर्णय लिया है कि उसे कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है, उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हुई है 20 रुपए से 13 रुपए, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। उनका जो ग्राहक है लघु उद्योगक सी, उसने ठान लिया है कि उसे अभी बी के साथ काम ही नहीं करना। अब आते हैं तीसरी परिस्थिति में। यहां पे ए और बी साधारण टैक्स स्कीम में शामिल होते हैं, लेकिन लघु उद्योगक सी कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठाते हैं, और इस केस में तीनों के टैक्स मिला के सबसे कम यानी कि 235 रुपए आते हैं। ये भी तीनों के लिए फायदे की परिस्थिति है, क्योंकि इस स्थिति में भी कोई दुगना लगान नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों पहले की तरह ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा सकते हैं। और बाकी रहे लघु उद्योगक सी, उनके ग्राहक तो एंड ग्राहक या एंड कस्टमर है, तो उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट से कोई लेना देना तो है नहीं, और इसीलिए वो निश्चिंत मन से कॉम्पोजिशन स्कीम में शामिल होते हैं और उनको भरना पड़ता है केवल 15 रुपए का टैक्स। इन तीनों परिस्थितियों की तुलना करके हम ये समझ सकते हैं कि यदि आप एक बहुत ही छोटे दुकानदार हो और आपका बी टू सी का धंधा है, मतलब आप अंत ग्राहक को सामान बेचोगे, तब आपके हित में यही है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में शामिल हो जाइए। यदि आप पूर्ति श्रृंखला में बीच के खिलाड़ी हो, यदि आप होलसेलर हो जिनका कारोबार, जिनके ग्राहक खुद ही कारोबारी है, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने के पहले बहुत गहराई से सोचना चाहिए, वरना ये हो सकता है कि आपका टैक्स का बिल कम हो जाएगा, लेकिन आपके ग्राहक आपसे खफा हो जाएंगे और आपको छोड़कर और किसी खोट व्यापारी के साथ कारोबार करने लगेंगे, और इससे आपका भी नुकसान होगा और उनका भी। कॉम्पोजिशन स्कीम की जो हमारी चर्चा थी वो अभी यही खत्म होने वाली है। इस चर्चा को खत्म करने के पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम में शामिल होने या ना होने के क्या लाभ और क्या नुकसान है। यदि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में शामिल होते हैं तो आप टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते आपके ग्राहकों को। टैक्स इनवॉइस तैयार करना एक मेहनत का काम है, तो ये आपके लिए एक फायदे की बात है, लेकिन इस फायदे के साथ आता है एक नुकसान। आपको आपके ग्राहकों से कोई टैक्स की मात्रा कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जहां तक आपके हिसाब किताब और अंदरूनी वित्त व्यवस्था की बातें हैं, तो वहां पे कॉम्पोजिशन स्कीम में शामिल होके आपको फायदा ही फायदा है, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में शामिल होने से आपके जो रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही सरल हो जाती है। आपको एक बाहरी ऑडिटर की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस फॉर्मूले के साथ आप कितना टैक्स देना है ये कैलकुलेट करते हो, वो फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, ये है कॉम्पोजिशन स्कीम में शामिल होने या ना होने के फायदे और नुकसान। जैसे भी आप सही समझे वैसा कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसे अच्छी तरह से सोच समझने के बाद ही लीजिए।